Okay, we covered the operating system window and how its features works. And now in today's lecture, we will try to cover the topic of next unit, unit number 4. And this is application software, MS Excel. So before starting MS Excel, मैं थोड़ा सा एम एस एक्सेल के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि एम एक्स एक्सेल जो है वो एम एस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर तीन चार पार्ट हैं, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ पार्ट हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और उसके ये कुछ पार्ट हैं। तो एम एस एक्सेल उसके अंदर एक पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो एक्सेल क्या होता है और ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एम एस एक्सेल का, कि इस पे कैसे काम होता है, कैसे इसे ओपन किया जाता है, किस तरह इसके ऊपर फाइल बनती है, हम फाइल के अंदर क्या बना सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं बात करूँगा। सो एक्चुअली एम एस एक्सेल इज़ एन स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच कलेक्ट्स एंड प्रोसेस सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द डेटा विच इज़ इन द ऑन द स्प्रेडशीट। इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हम जो इसको खो जब हम इसको ओपन करते हो, एक वर्कबुक ओपन होती है हमारे पास, वर्कबुक जिसका नाम, जैसे मैं बोला वर्कबुक, और उस वर्कबुक के अंदर कुछ सीट्स होती हैं। बाई डिफ़ॉल्ट देर आर थ्री सीट्स। तो पहले मैं आपको एक कैसे एम एस एक्सेल को ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना जो डेस्कटॉप है वो मैंने खोल लिया है। तो जब हमें एक्सेल खोलनी होती है तो हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपके स्टार्ट बटन पे एम एस एक्सेल आया हुआ है, जैसे मेरे यहाँ पे आया हुआ है एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विंडो और ये पेंट और ये चीज़ें आई हुई हैं मेरे यहाँ। अगर यहाँ नहीं आती है तो आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाना है। ऑल प्रोग्राम्स में आपको एम एस ऑफिस सर्च करना है। यहाँ पर अगर यहाँ नहीं आई हुई है तो आपको एम एस ऑफिस सर्च करना है और यहाँ ये एम एस ऑफिस है और एम एस ऑफिस में ये इतने सारे प्रोग्राम्स, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर इतने सारे प्रोग्राम्स, आपके इतने सारे एप्लीकेशंस आपके डले हुए हैं, राइट। तो इसमें मुझे एम एस एक्सेल 7 पे काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 7। तो मुझे इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो स्प्रेडशीट खुल जाएगी। ओके, सो मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि कैसे खोलना है। यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, यू हैव टू फाइंड वेदर देर इज़ ए एम एस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। इफ़ इट इज़ अवेलेबल यू हैव टू क्लिक ऑन दैट, एंड जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपकी स्प्रेडशीट खुल जाएगी। सो आपको इस तरह का एक एनवायरनमेंट मिलेगा ना। दिस इज एनवायरनमेंट, हम इसे क्यों बोलते हैं कि हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट को ओपन करके हम उस एप्लीकेशन के फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, हम यह उसका एनवायरनमेंट का यूज़ करके हम उस पे जो अप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन पे हम काम करना चाहते हैं, जो हम काम करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन की उस एनवायरनमेंट के अंदर आपको सारे फीचर्स अवेलेबल होंगे। ओके, सो इस तरह का एक एरिया आपको खुलेगा जिसके अंदर मैंने कहा कि ये आपका वर्कबुक, ये जो है एक वर्कबुक खुल जाती है आपकी, जिसके अंदर मैं अगर मैं बात करूं कि ये टॉप जो जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है, जैसे होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, पेज लेआउट लिखा हुआ है, ये आपका एक मेन्यू स्ट्रिप बोली जाती है, दिस इज मेन्यू बार। ओके, यहाँ एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक लोगो आया हुआ है। इस लोगो के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, जब हम क्लिक करेंगे तो इसके ये कुछ कंपोनेंट इसके खुल जाते हैं, कुछ इसके यूजेज खुल जाते हैं। जैसे न्यू, जब मुझे न्यू फाइल बनानी है तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, कोई एग्जिस्टिंग फाइल जो मैंने पहले बना रखी है उसको ओपन करना है तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, मुझे जो फाइल अभी मैंने, जो मैं अभी
वर्कबुक मैंने खोल रखी है, उसे सेव करना है तो मैं सेव पे क्लिक करूँगा। अगर सेव्ड कोई वर्कबुक खुली हुई है और उसको मैं दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूँ तो मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा। इसी तरह मुझे अगर ये वर्कशीट प्रिंट करनी है या वर्कबुक प्रिंट करनी है तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा। फिर मुझे अगर कुछ प्रिपेयर करना है, ये वर्कशीट को मुझे कुछ प्रिपेयर करना है जी, तो प्रिपेयर करने के लिए ये कुछ आपका प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ये अलग से मतलब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के काम आती है, तो इसे हम प्रिपेयर कहते हैं। मैं इसको सेंड करना चाहता हूँ तो मैं इसे मेल करना चाहता हूँ या फैक्स करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ सेंड पे क्लिक करूँगा। मैं इसे पब्लिश करना चाहता हूँ, वी हैव टू पब्लिश आवर वर्क, सो पब्लिश करने के लिए मैं अपने किसी ग्रुप पे पब्लिश कर सकता हूँ, किसी वर्क बुक पे पब्लिश कर सकता हूँ, तो मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी पब्लिकेशन, क्रिएट करनी पड़ेगी तो मुझे पब्लिश पे जाना पड़ेगा। और अगर मुझे अपनी वर्क बुक क्लोज करनी है तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर, ओके। सो ये इसके मैंने ये बताया, जो ये लोगो दिया हुआ था पहला, उस लोगो का मैंने बताया कि ये लोगो किस लिए आता है, ये आपको इंस्टेंट वर्क करने के काम आता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये आपका मेन्यू बार है, मेन्यू स्क्रिप्ट भी बोली जाती है, मेन्यू बार भी बोला जाता है। इसमें अलग अलग मेन्यू लिखे हुए हैं जिन पे हम क्लिक करेंगे तो उसका एनवायरनमेंट खुल जाएगा। अभी हम होम पे क्लिक कर रखा है तो होम मेन्यू का इसे हम बोलते हैं, ये जो एरिया है, ये जहाँ पे मेरा माउस अभी जा रहा है, इसे हम बोलते हैं रिबन स्ट्रिप। ये एक रिबन स्ट्रिप है कि ये एक एक मेन्यू का एक रिबन खुलता है। जैसे मैं इस पर इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो अलग रिबन खुलेगा, पेज लेआउट पे क्लिक करूँगा तो अलग रिबन खुलेगा, फॉर्मूलाज पे क्लिक करूँगा तो अलग रिबन खुलेगा। ऐसे में जिस भी मेन्यू पे क्लिक करूँगा उसका अपना रिबन खुल जाएगा। और रिबन हमें क्या देता है, रिबन जैसे मैं कह दूँ कि एक बैनर टाइप का खुल जाता है कि उसके अंदर हमें हमें कुछ इमेजेस नज़र आती हैं, और उस जैसे जैसे मैं कहता हूँ होम पे मैंने क्लिक किया तो मैं ये कट भी दिया हुआ है, एक सीजर दी हुई है, तो इस सीजर से हमें पता चलता है कि हम कट कर सकते हैं सेलेक्टेड आइकन को। ऐसे ही ये बी है बोल्ड दिया हुआ है, ये आई है इटैलिक दिया हुआ है, यू है ये अंडरलाइन दिया हुआ है। ऐसे ही मैं यहाँ से मैं कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ जो मैं लिखूँगा उसका फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वैसे ही फ़ॉन्ट आ जाएंगे। इतने सारे फ़ॉन्ट हैं, देयर आर सो मैनी फ़ॉन्ट्स, और आप अपने अलग से भी फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं, ये मतलब 100 से ऊपर फ़ॉन्ट आपको यहाँ दिए गए। फिर मैं फ़ॉन्ट का साइज़ अगर बढ़ाना, अभी 11 का साइज़ है, मैं इसका बढ़ाना चाहता हूँ, तो जैसे हम इस पर काम करेंगे वैसे हम देखेंगे कि कौन से फ़ॉन्ट का साइज़। फिर ये मैं फ़ॉन्ट पे कुछ ये मैं कलर देना चाहूँ, टेक्स्ट का कलर देना चाहूँ, ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये दो चीज़ें ये अलाइनमेंट के काम आती हैं कि आप कैसे अलाइन करना चाहते हैं। फिर इसी तरह इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप फॉर्मेट सेल कर सकते हैं, आप सेल स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं कुछ टेबल या इस तरह का, आप डिलीट कर सकते हैं, आप सेल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, आप कोई फॉर्मूला, ये बहुत सारी आपके रिबन के ऊपर दिए हुई चीज़ें आती हैं, राइट। सो इसके नीचे जब हम आते हैं तो ये आपको एक इसको हम बोलते हैं एक्टिव, यू कैन से एक्टिव स्ट्रिप, जो इस पे हम काम करते हैं, सेव करना है हमें, बैक करना है हमें, फॉरवर्ड करना है हमें, इस तरह। तो ये आपको इसी होम रिबन का ही एक, ये मतलब ये जो होम पे जो ये रिबन चेंज होता है, ये चेंज नहीं होते हैं, ये सेम रहते हैं कि हमें बैक जाना है। मैंने जो अभी काम किया उसे, जैसे हम करते हैं ना, कोई मैंने काम किया मैं उसे रिवर्ट करना चाहता हूँ, तो ये रिवर्ट के लिए होते हैं, यहाँ पे सिंबल दिए गए। ये एक जो ऑप्शन दिया गया A1, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो A1 दिया गया है ये क्या है, ये किसी सेल का एड्रेस है। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, आपने शायद मैट्रिक्स में काम किया होगा, प्लस टू में या दसवीं में, या आप अभी मैथमेटिक्स जो पढ़ रहे हो उसमें मैट्रिक्स आता है आपका, ओके। मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कुछ रोज होती है कुछ कॉलम्स होते हैं। तो इस जो एरिया के अंदर ये जो हमारा वर्किंग एरिया है, ये हमारा वर्किंग एरिया है जिसमें ये आपको बॉक्सेस बने हुए हैं, इन हर एक बॉक्स को एक सेल बोलते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये एक सेल है, ये एक सेल है, मैं जिस पर भी क्लिक करता हूँ वो एक रेक्टेंगल आ जाती है, वो एक सेल है, ओके। और जिस भी, जैसे मैंने ए ए नाउ इज ए कॉलम, जो टॉप टू डाउन आ रहे हैं
ये जो लिखे हुए ए बी सी डी ये जो दिए हुए हैं और ये बहुत सारे हैं, राइट। जब ए भी ख़त्म हो जाता तो ए ए आ जाता है, ये भी, मतलब ये बहुत सारे हैं, दीज आर सो मच। ओके, तो आप इन पे आगे बहुत सारे हैं ये, मतलब काउंटलेस तो नहीं है पर इनकी काउंटिंग कितनी अभी मुझे याद नहीं है। तो यू कैन गो, दीज आर द कॉलम्स। अभी डी कॉलम सेलेक्ट है। एंड ये जो 1 2 3 4 5 ये जो लिखा हुआ है ये आपके रोज हैं। पहली रो 1, दूसरी रो 2, आप ऐसे ये रोज हैं। ये भी बहुत सारी हैं। ओके, ये भी बहुत सारी होती हैं, काउंटलेस तो नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, पर काउंट है इनका कि एक सीट पे कितनी, एक वर्कबुक पे एक सीट पे कितनी ओपन होंगी। तो जैसे ही हम एक्सेल को खोलते हैं तो ये एरिया खुल जाता है। इस पर मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। तो ये हो गए आपके कॉलम्स, ये हो गए आपके रो। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये हो गई एक सेल, और इस सेल का जो एड्रेस होता है, हर एक सेल इसके अंदर जो लिखा हुआ होगा वो इसका डेटा होगा। जैसे मैंने 45 लिखा तो 45 इज़ द डेटा, बट इस सेल को अगर मुझे रेफ़र करना है तो इस सेल को मैं 45 से रेफ़र नहीं करूँगा, 45 तो उसके अंदर लिखा हुआ डेटा है। तो इस सेल को जब मैं रेफ़र करूँगा तो ये सेल हो गई A1, इसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। मैं जिस भी सेल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने D7 पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा डी कॉलम 7th रो, तो वो एड्रेस आपको यहाँ आएगा लिखा हुआ। और यहाँ पर क्या आएगा, ये जो आपका जो अगली जो एक स्ट्रिप दी हुई है इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर डेटा आएगा। उस सेल के अंदर जो भी कुछ मैं लिख दूंगा, मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो फॉर्मूला, मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगा तो टेक्स्ट, मैं कोई डेट लिखूंगा तो डेट, और मैं कोई डेटा लिखूंगा तो डेटा, वो इसके ऊपर आएगा कि उस सेल के अंदर डेटा क्या है। मैंने नंबर लिखा 45, तो 45 यहाँ आ गया, 45 यहाँ आ गया, और एड्रेस यहाँ पे आ गया है। ओके, सो एक स्प्रेडशीट के अंदर जितनी भी सेल्स बनी हुई है उन सब का एड्रेस आपको यहाँ जिस जिस पे आप क्लिक करेंगे वहाँ आएगा। और जब आप इसे सेलेक्ट कर देते हैं, ओके, तो कहाँ से आपने शुरू किया और कहाँ तक आप जाएंगे ये जैसे आपको यहाँ पे दिखाता चला जाएगा। ओके, जब आप इसे सेलेक्ट करते जाएंगे तो ये यहाँ पे इसको दिखाता चला जाएगा एड्रेस को। अभी 45 सेलेक्टेड है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं आगे गया तो देखो वहाँ पे A1 हट गया और ये देखो 13 कुछ आ गया। ओके, सो यहाँ पे जो चेंज आता है वो इस तरह से आता है, वो एड्रेस आपको शो करता रहेगा। जब हम एक वर्कबुक खोलते हैं तो ये एक वर्कबुक है, इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज, जब हम Office 7 की बात करते हैं तो 3 वर्कशीट खुलते हैं। जैसे आपको जब एग्ज़ाम लिखते हो तो एक पेपर आपको मिलता है, एक शीट आपको मिलती है, उस शीट में कुछ नंबर ऑफ पेपर्स होते हैं, तो उसमें 47 होते हैं या 48 होते हैं, वो मुझे पता नहीं, बट इतने कुछ होते हैं। तो यहाँ पर भी एक वर्कबुक के अंदर ये एक वर्कबुक खुली हुई है, आपको ऊपर लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और उसके अंदर 3 सीट खुली है, सीट 1, सीट 2 एंड सीट 3। ओके, सो सबसे पहले जब आप कुछ भी काम करना शुरू करें किसी भी सीट के ऊपर, किसी भी वर्कबुक के ऊपर, तो सबसे पहले आप उसे सेव करें। तो सेव करने के क्या तरीका है, आप आइदर गो इन दिस, ये जो ऑफिस का लोगो है इस पे जाइए, यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप ये फ्लॉपी डिस्क का सा एक आइकन दिया हुआ, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। ये आपको नाम पूछेगा कि क्योंकि बुक 1 इसको नाम दिया गया है, तो आप अपना नाम दे सकते हैं, और आप शॉर्टकट में जाना चाहें तो Ctrl+S से आप जा सकते हैं। तो अभी मैंने Ctrl+S प्रेस किया तो ये खुल गया। अब मैं इसको कोई नाम देता हूँ कि BCom फर्स्ट ईयर, आप जो भी नाम देना चाहें, सेकंड सेम रिजल्ट, जो भी आप नाम देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं, और आप इसे सेव करेंगे। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो टॉप के ऊपर आप जहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ था, यहाँ पर बुक 1 लिखा हुआ था पहले, अब ये आ गया BCom फर्स्ट ईयर सेकंड सेम रिजल्ट नाम से ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। ओके, और इसका हम
अब तीनों सीट पे हम काम कर सकते हैं किसी भी सीट पे। तो पहली सीट पे हम काम करते हैं, तो पहली सीट पे अगर हम काम करते हैं तो मैं इसका भी नाम चेंज कर सकता हूँ। और इसका नाम चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीट वन पे मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने सीट वन पे डबल क्लिक किया तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे सकता हूँ रिजल्ट, मैं इसका नाम लिख सकता हूँ रिजल्ट, और मैंने इसका नाम लिख दिया है रिजल्ट। अभी सीट टू एज इट इज है, सीट थ्री भी एज इट इज है। ओके, तो अब हम इस पे, हमने इतना काम देखा कि हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। सो अभी मैं एक सीट बनाता हूँ कि हम क्या डेटा इसके ऊपर डाल सकते हैं, कैसे कैसे हम इसके ऊपर डेटा डाल सकते हैं, और वो डेटा हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने जैसे इसको नाम दिया, आई हैव गिवन द नेम बीकॉम सेकंड सेम रिजल्ट। सो मैं इस पे कैसे काम कर सकता हूँ, तो जैसे हमारी एक मार्कशीट आती है, मैं उस हिसाब से इसको बनाने की कोशिश करूँगा एक टेबुलर फॉर्म के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि पहला सब्जेक्ट, तो मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द सब्जेक्ट, ये जो मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट कॉलम के अंदर, उस पर मैं लिखता हूँ कि सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट। सो मैंने इसको नाम दिया नेम ऑफ। अब आप देख रहे हैं कि ये जो नेम ऑफ सब्जेक्ट मैंने दिया, ये ए जो कॉलम है उससे बाहर आ रहा है। तो इस कॉलम का साइज हम यहाँ से माउस क्लिक करके हम इस कॉलम का साइज बढ़ा सकते okay? जब मुझे कॉलम का साइज बढ़ाना है तो मुझे ऊपर ले जाके इस माउस से सेलेक्ट करके इसको जितना साइज बढ़ाना है उतना बढ़ा सकता हूँ। जब मुझे रो का साइज बढ़ाना है तो मुझे इधर रो में आना पड़ेगा, मैं जितना साइज बढ़ाना चाहूँ उतना साइज बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे एक सेल का साइज बढ़ाना है तो मैं एक सेल का साइज बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे बहुत सारी सेल का साइज बढ़ाना है, मुझे रो कॉलम जो भी मुझे साइज बढ़ाना है, तो मैं सबका साथ साथ साइज बढ़ा सकते हैं एक साथ। ओके, तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट डाला, फिर मैंने कहा कि मैक्सिमम मार्क्स, मैंने दूसरा जो लिया वो मैक्सिमम मार्क्स। मैं इसको बनाने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जब हम इसको सेलेक्ट करके और इस पर क्लिक करते हैं तो अपने आप उसका साइज एडजस्ट हो जाता है। मैंने कहा कि इसका भी हमें एडजस्ट करना है, तो आप ऊपर कॉलम पे क्लिक कीजिए, एडजस्ट हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स। देन ओबटेन्ड मार्क्स, और इस पे मैं फिर क्लिक करूँगा और ऊपर ले जाके मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा ओबटेन्ड मार्क्स। ओके, सो मैंने इस तरह से इसको एक, अब मैं इसका जो मैंने लिखा है उसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, मैंने बोल्ड कर दिया। मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं इसका थोड़ा सा साइज़ भी अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ, नहीं बढ़ाना चाहता तो इट्स ओके। मैं इसको यहाँ से, अभी ये क्या है, जब मैं इस सीट में इसके साइज़ को बढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये मैंने इस कॉलम के साइज़ को, मैंने इस रो के साइज़ को बढ़ाया तो ये नीचे लिखा हुआ, मैं चाहता हूँ बीच में लिखा जाए, तो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि ये सबसे नीचे लिखा हुआ है, मैं अगर मिडल में चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मिडल, ये बीच में आ गया। मैं टॉप पे ले जाना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा टॉप, तो मैं इसे मिडल में रखना चाहता हूँ, इट्स ओके। अभी क्या है, मैं अलाइन करना चाहता हूँ इसे, अभी अलाइन कर, मैं इसके अगर कॉलम के साइज़ को बड़ा कर दूँ तो अभी ये क्या है, लेफ्ट अलाइन है, राइट। मैं इसे, ये लेफ्ट अलाइन है, मैं इसे मिडल में लाना चाहता हूँ कि मिडल में आ जाएंगे, सारे मिडल में आ चुके हैं जो सेलेक्ट कर रखे हैं सारे। मैं इसे राइट पे लेके आना चाहता हूँ तो राइट पे आ गए। तो ये जो आपका अलाइनमेंट है ये आपका इम्पोर्टेंट है। आप किसी और तरह भी लिखना चाहते हैं, राइट, मान लीजिए मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको एंगल पे दे सकता हूँ, ये एंगल पे हो गया, यहाँ ये क्लिक करेंगे और एंगल पे आ जाएगा। आप जिस एंगल पे लाना चाहते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा लिखना चाहते हैं, जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो उस तरह से लिखा चला जाएगा। ओके, सो दिस विल बी लाइक दिस, आप एक एक को सेलेक्ट करके देख सकते हैं
और मैंने इसको ऐसे दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसे हो जाए, तो मैं इसे वर्टिकल दे देता हूँ। ओके दैट विल बी वर्टिकल एंड हम इसको ये मैंने जो पहले साइज दिया था वो दे दिया। मैं अगर इसको रोटेट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं रोटेट भी कर सकता हूँ इसको, यहाँ फॉर्मेट सेल पे जाके। और जैसे ही मैं फॉर्मेट सेल पे जाऊँगा तो एक इस तरह का आपका विंडो खुल के आएगी, बिकॉज वी आर वर्किंग इन द विंडो। और यहाँ से आप इसका जो भी फॉर्मेट, जो भी इस टेक्स्ट का जो भी करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। आप इसमें एक एक चीज़ पढ़ेंगे। मैं जो पर्टिकुलर बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है अभी हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इसको अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा ये रोटेट होंगे। अब मैं इसको दोबारा से अगर इसको सही इसकी जगह पे लेके आना चाहता हूँ तो मैं दोबारा वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर एंड विल मेक इट और मेक इट ओके। सो यू कैन चेंज अलाइनमेंट and rotation of the data which is written on the cell by using this alignment. Okay, so अभी हमने इसको हमने कहा कि हम दोनों को हम इसको सेलेक्ट करते हैं तीनों को, और हमने कहा कि ये मिडल में होना चाहिए, दिस इज इन द मिडल ऑफ द रो एंड मिडल ऑफ द कॉलम, रो एंड कॉलम के मिडल में होना चाहिए। ओके, तो मैंने दोनों टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किए और ये ऐसा कर। अब मैं सब्जेक्ट के नाम डालता हूँ। ओके, सो क्योंकि बीकॉम सेकंड ईयर का है तो आप मुझे सब्जेक्ट बताएंगे कौन कौन से हैं। ओके, आई विल टेक फ्रॉम द, सो पहला मैं लिखता हूँ फाइनेंशियल मैनेज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैं अकाउंटिंग को छोटा लिख रहा हूँ। ओके, देन मैं लिखता हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मेरे पास आपका टाइम टेबल पड़ा हुआ है तो मैं उससे ले रहा हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तीसरा मैं लिखता हूँ आपका बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, देखो जो आपने ऊपर लिखा वो आ जाएगा इसके अंदर, और जो आपको चाहिए उसे रख लीजिए, बाकी को आप हटा दीजिए। एंड यू कैन राइट हेयर बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, देन अगला है बिजनेस एनवायरनमेंट, अब नहीं आएगा क्योंकि दो बार बिजनेस लिख, बिजनेस मैनेजमेंट भी है, बिजनेस एनवायरनमेंट भी है। ओके, मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट लिख दिया। देन आपका बिजनेस मैथमेटिक्स है, सारे बिजनेस ही हैं क्या? ओके, कॉमर्स में बिजनेस ही चलेगा, बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड आपका तीसरा है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ओके। तो ये मैंने इनको नाम दे दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सारी हमने जो सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं वो मैं सेलेक्ट करता हूँ और इनको भी अलाइन करते हैं, राइट? यू कैन अलाइन दीज फ्रॉम हेयर। ये अभी क्या है, बॉटम पे लिखा हुआ है, रो के बॉटम पे, मैं कहता हूँ सेंटर में लिखा जाए। और ये अभी लेफ्ट अलाइन है, मैं कहता हूँ सेंटर में लिखा जाए। सो ये सेंटर में आ गए। अब मैं अपनी इनकी भी, ये जो मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किए, मैं इनको भी अलाइन कर लेता हूँ सेंटर एंड सेंटर। ओके, अब हम इनके मार्क्स लिखते हैं 100, सबके मैक्सिमम मार्क्स शायद 100 हैं, आई डोंट नो, हम 100 ले लेते हैं। तो आपने 100 लिखा है यहाँ पर, अभी आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको एक बार लिख के यहाँ सेलेक्ट कीजिए, और ये जो प्लस का निशान जब आ जाता है, व्हेन द प्लस सिंबल कम्स, यू हैव टू सेलेक्ट दिस, प्रेस माउस एंड टेक इट अप टू हेयर। तो आपको ऐसे जितना नीचे तक लिख के जाना, आप यहाँ तक नहीं, आपको जितना नीचे तक लिख के जाना है वहाँ तक आप ले जा सकते हैं और ये सब लिखा जाएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए, तो आप इसे यहाँ तक ही लिख के आए। ओके,
सो आप ऐसे ही से सेलेक्ट कर सकते हैं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द एक्सेल। अब मैं कहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है, कोई भी एक स्टूडेंट, ओके, उसका मैं एक, क्योंकि हम रिजल्ट बनाएंगे, मार्कशीट बनाएंगे, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट की बनाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि मान लो किसी एक स्टूडेंट के नंबर मार्क्स जो आए हैं दैट कम्स आउट ऑफ 171 एंड इन द इकोनॉमिक्स सी गॉट 76 एंड इन मैनेज सी गॉट 60 एंड इन एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट सी गॉट 80 एंड इन मैथमेटिक्स सी गॉट 69 एंड इन कंप्यूटर साइंस सी गॉट 75। ओके, सो जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं, मेक श्योर कि आप अपने डेटा को सेव करते रहें। तो सेव करने का मैंने आपको तरीका बताया, आप यहाँ जाके सेव पे क्लिक कर सकते हैं, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं और आप कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हैं, तो ये आपकी फाइल सेव हो चुकी है, राइट। अब हम जब इस पे और आगे काम करना चाहेंगे, तो मैं अभी ये चाहता हूँ कि इसका टोटल क्या है। तो टोटल करने के लिए मुझे क्या करना है, अभी मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है वो है C8, सी कॉलम 8th रो, ये एक एड्रेस मैंने इस सेल पे सेलेक्ट कर रखा है। ओके, मैं चाहता हूँ कि इस पे मैं सबका सम लिख के आऊँ, सबका टोटल करना है। ये जो पहले हम इसका टोटल करें, सो इसका टोटल कितना होगा, हम अगर ये देखना चाहें कि इसका टोटल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू राइट हेयर इज इक्वल टू एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस, वी आर नॉट सेलेक्टिंग द डेटा, हम 100 पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, हम किस पे क्लिक कर रहे हैं, B2 पे, एड्रेस पे, और फिर मैं लिख देता हूँ प्लस, फिर मैं अगला सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर मैं कर देता हूँ प्लस, फिर मैं अगला सेलेक्ट कर देता हूँ, एंड सो ऑन। एक तो तरीका है मेरे पास ये, ऐसे हम सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फॉर्मूलाज में जाता हूँ, ओके, एंड दिस इज ऑटो समेशन, मैं इस पे ऑटो समेशन पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे सम कर देता हूँ। तो B2 से लेकर B7 तक, सम ब्रैकेट B2 कॉलन B7 ब्रैकेट बंद, आप ये फॉर्मूला ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि आपने यूज़ किया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं ऐसे भी नहीं करना चाहता, और मैं हम जब इस पे जाएंगे और जब होम पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऑटो सम इस रिबन पे ऑलरेडी आया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से ऑटो सम क्लिक कर देता हूँ, और ये ऑटो सम, जैसे मैं इस पे ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ, मैं इस पे ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटो सम आ जाएगा और मुझे एंटर प्रेस करना है बस। तो इस पे जो आया वो है रिजल्ट, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसके सेल के अंदर द डेटा विच इज रिटन ऑन द सेल इज द रिजल्ट, हेयर विच इज रिटन इज द एड्रेस B8 एंड हेयर इज द फॉर्मूला, ये जो सिंबल आपका दिया गया ये फॉर्मूला है, इस स्ट्रिप के ऊपर उस सेल के अंदर क्या है वो लिखा जाएगा, रिजल्ट क्या है ये नहीं लिखा जाएगा, उस सेल के अंदर लिखा हुआ क्या ये लिखा जाएगा। तो एक्चुअली इस सेल के अंदर हमने लिखा हुआ है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट B2 कोलन B7, B2 से लेकर B7 तक का सम कर दीजिए और वो रिजल्ट है वो यहाँ लिखा हुआ। अब आपको यहाँ पर करना है तो आप सेम तरीका यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, आप सेम तरीका यूज नहीं करना चाहते तो आपने जो पहले किया था सेम वही काम कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए और इस पे यहाँ जैसे ही जाएंगे यहाँ प्लस का साइन आएगा और प्लस का साइन जैसे ही आएगा आप यहाँ पे इसको आगे खींच दीजिए, जस्ट स्क्रॉल इट और आपका टोटल है वो आ गया है। ओके, नाउ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज, सो आप यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दे सकते हैं और आप यहाँ पे जैसे ही परसेंटेज का सिंबल देंगे वो आ गया और आप यहाँ पे अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, यस आई वुड राइट द फॉर्मूला इज इक्वल टू, मुझे B8 चाहिए, B8 मैं लिखूंगा तो भी वही सेलेक्ट होगी। ओके, मुझे पहले B8 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, C8 मुझे C8 चाहिए, डिवाइड बाई मुझे B8 चाहिए एंड मल्टीप्लाई बाई, अब मल्टीप्लाई का सिंबल डालूंगा मैं,
हंड्रेड, सो ये आपकी परसेंटेज कैलकुलेट हो, देखिए फॉर्मूला फिर भी ऊपर लिखा जा रहा है, सो आप यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करेंगे आपकी परसेंटेज आएगी, आपका 71%, ये जो स्टूडेंट है इसका 71% आया, ओके। तो हम यहाँ से इस तरह से हम, अब मुझे मैंने देखा कि 71 पॉइंट लास्ट में सिक्स डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, ये कुछ डिजिट्स होंगे, आई डोंट नो 6 है या 9 है, कुछ में 6 आती है कुछ में 9 आती है, तो ये डिजिट्स आ जाएंगे। मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 71.83 चाहिए। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गो इन जनरल, ये जो कॉलन है, ये जो सेल है, ये जनरल फॉर्मूले पे है, मैं इसको इसका डेटा टाइप देता हूँ, डेटा टाइप मतलब मैं चाहता हूँ कि ये नंबर में आए और 2% मैं इसे अगर सेंटर में करना चाहता तो आई हैव टू मेक इट इन द सेंटर 71%, और अगर मैं इसे इफ आई वांट टू गिव इट लार्ज साइज, ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। सो अगर मुझे ये कॉलम्स नहीं चाहिए, ये जो लाइन है मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट रैप देम, रैप मींस आई जस्ट मर्ज देम, एंड फॉर द सेंटर मैंने इनको मर्ज कर दिया, ओके, और ये मर्ज हो चुकी है, तो अब मुझे दिखाई नहीं देंगी, एंड नाउ आई हैव मेड इट एज ए मार्कशीट, और मैं इसको एक मार्कशीट की तरह, मैं यहाँ से इसको, मुझे जो भी, मैं इस तरह से इनको लाइन भी दे सकता हूँ, और ये लाइंस जो अभी ये ड्रा नहीं है, अगर आप प्रिंट देखेंगे तो अगर मैं इन लाइनों को हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, जब आप प्रिंट पे जाएंगे तो ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो लाइनें आपको शो हो रही हैं, ओके, ये जो लाइनें आपको शो हो रही हैं, ये कुछ लाइनें आपको शो हो रही हैं हर सेल और कॉलम की, जब आप इसके प्रिंट पे जाएंगे और प्रीव्यू देखेंगे तो ये लाइन आपको शो नहीं होंगी, आप अगर इसे देखना चाहें तो ये ऐसा कुछ आपके पास आएगा प्रिंट आउट, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि लाइन से आए, लाइन बन के आए उसके ऊपर, ओके, सो दिस विल बी लाइक दिस, ऐसा आपको प्रिंट आएगा, तो ये प्रिंट मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं एक मार्कशीट की तरह प्रिंट चाहता हूँ, तो मैं इसे क्लोज करूँगा, जस्ट आई हैव टू सेलेक्ट दिस, आई हैव टू सेलेक्ट द कंप्लीट डेटा और गो इन दिस, ये जो एक बॉक्स सा बना हुआ इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, और मुझे लाइन चाहिए तो मैं सब लाइनों पर क्लिक कर दूँगा, और अब इसकी लाइनें आपको विजिबल रहेंगी उस पेज के अंदर, अब आप चेक कर सकते हैं कि कैसा प्रिंट आएगा, यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, अब आपका प्रिंट ऐसा आएगा, ओके, कुछ इस तरह का प्रिंट आने वाला है। मैं इसको अगर और थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, और बॉर्डर देने के लिए भी आपको यहीं जाना पड़ेगा, और यू हैव टू गिव द बॉर्डर, ओके। तो अब प्रिंट, जैसे ही मैंने बॉर्डर दिया तो कैसा प्रिंट आएगा, अब प्रिंट विल बी लाइक दिस, कि मेरा आउटर बॉर्डर है वो थोड़ा सा थिक है और इनर जो लाइन है वो थोड़ी सी थिन है। तो अगर मैं इसके बॉर्डर को और बढ़ाना चाहता हूँ, ओके, सो मैं यहाँ से ड्रा कर सकता हूँ, सो ये आपको बाद में बताएंगे कैसे होता है, तो यहाँ से हम ड्रा कर सकते हैं, सो दिस विल बी लाइक दिस। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ाऊँ, ये भी फॉन्ट थोड़ा सा बढ़े, मैं इसको एटलीस्ट बोल्ड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये, तो हम यहाँ से ऐसे इसको बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हम किस तरह से रो एंड कॉलम के अंदर डेटा डालेंगे, किस तरह से लाइनें डालेंगे, किस तरह उसके अंदर डेटा को हम एक साथ डाल सकते हैं, किस तरह उनका सम करना है, किस तरह हम उनका परसेंटेज निकाल सकते हैं। आप अगर इधर भी सम करना चाहते हैं रो वाइज, तो आप यहाँ भी सम कर सकते हैं, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, और ये इसको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक का सम चाहिए, इसने पूरा सेलेक्ट कर दिया है, आपको सिर्फ इसका और इसका सम चाहिए, तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, बस सम C2 B2 एंड C2, और आप एंटर प्रेस कर देंगे तो इसका सम आ जाएगा। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, ये मार्कशीट हमने बनाई थी, लेकिन हम रो और कॉलम का दोनों का सम कर सकते हैं,
तो क्योंकि अभी हमारे जो हमने काम किया उसके अंदर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको छोड़ दिया, राइट। सो इस तरह से हम एक फाइल को बनाएंगे, और फिर मैं कह रहा हूँ कि फाइल को सेव करना है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन और फाइल आपकी सेव हो गई। अब मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ, और अब मैं दोबारा से एक्सेल को खोलता हूँ, तो ये नई वर्कबुक खुल गई है। देखिए मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, बुक वन, दोबारा से एक नई वर्कबुक खुल गई है। तो हम यहाँ से एक और नई बुक, नया कुछ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे एग्जिस्ट जो मैंने अभी बनाई थी वो मुझे खोलनी है। तो मैं ओपन पे जाऊँगा, और ओपन पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अभी रिसेंट जिस पे मैंने काम किया वो सारी यहाँ पे आई हुई है। रिसेंटली सबसे लास्ट में मैंने इस पे बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेम पे मैंने काम किया, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा वैसे ही वो ओपन हो जाएगी, मैंने इस पे काम किया। तो आज हमने देखा कि एक्सेल में हम किस तरह से काम करना शुरू करेंगे, बेसिकली मेन्यूज क्या होते हैं, बेसिकली जो लोगो आया हुआ है वो क्या है, रिबन स्ट्रिप्स क्या होती हैं, एक वर्कबुक के अंदर कितनी शीट्स खुलेंगी, वर्कबुक का नाम हम कैसे सेव कर सकते हैं, वर्कशीट का नाम हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको आज थोड़ी सी बताई, इसी तरह हम आगे काम करते रहेंगे। सो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हम बाद में पूछ सकता है। सो दिस इज़ अबाउट दिस लेक्चर, वी विल कंटिन्यू अंडरस्टैंडिंग द Excel in the next lectures. So thank you for your listening.